हेलो एवरीवन, आज के ट्यूटोरियल में एक बहुत नेचुरल सी और रूटीन मेकअप करने लगी हूँ, जो आप रूटीन में कॉलेज जाते हुए, ऑफिस जाते हुए, कहीं पे भी आप जाते हुए कर सकते हैं। बहुत ही नेचुरल लगेगा, बहुत ही प्यारा लगेगा। आई होप आप लोगों को ट्यूटोरियल अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सबसे पहले आईब्रो को फिलअप कर लेंगे ब्रो ब्रश के साथ। एंगल ब्रश लेंगे हम, ठीक है, और अपनी आईब्रो के गैप्स को फिलअप कर देंगे। जितने भी गैप्स हैं आईब्रो में उसको अच्छी तरह से फिलअप कर देंगे हम लोग। कैप्स हमने फिलअप कर लिए हैं, उसके बाद स्पूली ब्रश के साथ हम इसको ब्लेंड कर देंगे, सारे को मर्ज कर देंगे। उसके बाद मेरे पास ये आई बेस है, कैमोफ्लेज क्रीम है कैट्रिस की, कैट्रिस रशियन ब्रांड है। उसके साथ हम लोग अपनी आई को प्राइम कर लेंगे, जो डिसकलरेशन है हमारी आईज़ की उसको ख़त्म कर देंगे, वेंस जो नज़र आ रही हैं उनको छुपा देंगे, ठीक है, और अपनी आईब्रो को शेप भी दे लेंगे। उसके बाद जी मेरे पास ये ब्राउन कलर का शेड है, इसको मैं लूँगी अपने ब्रश पे और राउंड फॉर्म में अपनी पूरी अपनी आईलिड पे अप्लाई कर दूँगी। लाइट शेड है ये, डार्क नहीं है बिल्कुल भी, तो हम इसको ब्लेंड कर देंगे। ये बहुत ही लाइट सी और बड़ी प्यारी सी लुक दे देता है, नेचुरल सी। नेक्स्ट मेरे पास डेन फैलन की पैलेट में से मैंने शिमर शेड लिया है, जो मैंने ब्राउन शेड लिया था तकरीबन उसी टोन का, गोल्डन टोन में शेड है ये। इसको हल्का सा अप्लाई कर लेंगे अपनी आँख पे, चाहे फिंगर के साथ कर लें चाहे ब्रश के साथ कर लें। शिमर शेड को अप्लाई कर लेने के बाद मेरे पास ये शेड्स हैं, ये शेड्स ग्लिटर फॉर्म में हैं, तो इनके अंदर जो है ना ऑलरेडी ग्लू होती है, एडहेसिव होती है इनके अंदर, तो इनके नीचे हमें ग्लिटर ग्लू लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। इनको थोड़ा सा लेके मैं ब्रश के ऊपर टैप टैप करके अप्लाई कर लूँगी अपनी आईलिड पर। जितना भी आप लोगों ने अप्लाई करना है उतना आप अप्लाई कर सकते हैं।
ग्लिटर को अप्लाई कर लेने के बाद, ये मेरे पास NYX की पैलेट है, ग्लिटर पैलेट, हाईलाइटर पैलेट है, लव यू सो मच की, और उसी में से मैं ये कॉपर कलर का ले रही हूँ शेड, और अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर रही हूँ अपनी आँख के, और इसी में से मैंने जो पर्पल सा शेड था उसको लेके तो अपनी अपनी ब्रो बोन को हाईलाइट किया। तकरीबन इसी तरह का शेड है जो काशी यूज़ करता है अपनी ब्राइड्स की ब्रो बोन को हाईलाइट करने के लिए। ये वाली कैट्रिस की कैमोफ्लेज क्रीम है जो मैंने पहले यूज़ की थी, और इसी को अब मैं लेके ब्रश पे तो इसको अपनी आंख के अंदर वाटर लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ। इसमें क्योंकि हम लोगों ने बहुत ही नेचुरल से लुक देनी है, तो इसमें ना तो इतना कोई हम लोगों ने बोल्ड आईलाइनर अप्लाई करना है और ना ही कोई काजल मैं अप्लाई कर रही हूँ। ये वाला आईलाइनर मैं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन ये वाला आईलाइनर हम सिर्फ इतना अप्लाई करेंगे कि हमारी जो लाइनर वाली लाइन है जहाँ हमने आईलैश अप्लाई करनी है, सिर्फ उतना सा, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल बारीक सा। और अगर आप चाहें तो आप आईलैशेस कम्प्लीटली स्किप कर सकते हैं, आप मस्कारा अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ। मैंने सिर्फ एक अच्छी लुक देने के लिए आईलैशेस अप्लाई की हैं। ये वाली आईलैश ग्लू है जो मैं यूज़ कर रही हूँ, इसको अपने उस एरिया पे लगाऊंगी जहाँ मैंने आईलाइनर अप्लाई किया है, ताकि मेरी आईलैशेस स्टिकी अच्छे से हो जाएं। और उसके बाद जी मेरे पास ओरिफ्लेम का ये वाला कलर बॉक्स फैट लैश मस्कारा है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। अपनी आईलैशेस को मैंने ऑलरेडी ग्लू लगा के रखी हुई थी 30 सेकंड्स के लिए, और उसको अब मैं जब अप्लाई करूंगी तो फौरन से स्टिक हो जाएंगी। देखें बहुत ही नेचुरल लुक आ रही है जब हम इसको सारे कंप्लीट मेकअप के साथ, यानी बेस के साथ, लिपस्टिक के साथ, ब्लश के साथ अप्लाई करते हैं, तो ये बहुत नेचुरल लुक देती है। ये मैं रूटीन में करती हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी ये वाली लुक सिखा दूँ। आई होप आप लोगों को ये लुक अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को लुक अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।